हेलो गाइस, वेलकम बैक ए के ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को हिस्ट्री के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे पढ़ाने की इच्छा मजबूत हो जाती है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे हैं। भगवान बुद्ध अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? ए राजगीर में, बी बोध गया में, सी सारनाथ में, डी कुशीनगर में। भगवान बुद्ध थे जो अपना प्राण कहाँ त्यागे थे? डी कुशीनगर में। आंसर नंबर डी इज राइट, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की प्राण चले गए थे। उसके बाद हमारा है एपिसोड क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? जो अजंता कालीन की चित्रकारी है वो निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? ऑप्शन नंबर ए दयाल बुद्ध, बी राधा कृष्ण लीला, सी जैन तीर्थंकर, डी महाभारत युद्ध। जो अजंता की चित्रकारी वो किससे संबंधित है? दयाल बुद्ध से। आंसर नंबर ए इज राइट, किससे संबंधित है? दयाल बुद्ध से अजंता की चित्रकारी प्रेरित है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है? जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनके विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध का अगला अवतार मतलब उनकी उनके तरह ज्ञानी पुरुष किसको माना गया, यानी गौतम बुद्ध का अवतार किसे माना गया है? ए अत्रेय को, बी मैत्रेय को, सी नागार्जुन को, डी कल्कि को। किसे माना गया है? बी मैत्रेय को। आंसर नंबर बी इज राइट, मैत्रेय को गौतम बुद्ध का अवतार माना गया है। उसके बाद हमारा है 104 क्वेश्चन, तमिल भाषा के शिल्प अधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? कौन से ग्रंथ जो कि तमिल भाषा के दो ग्रंथ हैं, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। जो शिल्पाधिकारम उसके बाद मणिमेखलई तमिल भाषा के जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। आंसर नंबर सी इज राइट है, हिंदू धर्म से दो ग्रंथ है जो कि तमिल भाषा में है, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं ऑल एग्जाम के दृष्टि। इसके बाद आते हैं हमारा 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? ए डाकमा, बी चैत, सी खाम और डी अगेरी। कौन सा? चैत। आंसर नंबर बी इज राइट है, कौन सा? चैत। चैत जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद हमारा है 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद कौन था? निम्नलिखित में से जो संस्कृत के प्रथम व्याकरण विद्वान थे वो कौन थे? ए कल्हण, बी मैत्री, सी कालिदास, डी पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। पाणिनि ये जो थे वो संस्कृत के प्रथम व्याकरण विद्वान थे। आंसर नंबर डी इज राइट। उसके बाद हमारा है 107 क्वेश्चन, बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए कपिल वस्तु, बी कुशीनगर, सी कारनाथ, डी सांची। कौन सा है बुद्ध का जो निर्वाण स्थल है वो कौन सा है? कुशीनगर। बौद्ध धर्म का जो मतलब बुद्ध का जो निर्वाण स्थल है वो कौन सा है? कुशीनगर है। आंसर नंबर बी इज राइट। उसके बाद हमारा है 8 क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषता है उसकी विशेषता की क्यों केंद्र था? नालंदा विद्यालय विद्या का एक महान केंद्र है, उसकी विशेषता यह है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में, तंत्र में जो नालंदा विद्यालय है उसकी विद्या एक महान ग्रंथ है, किस विशेष कार्य में मतलब किसमें? आंसर नंबर ए बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में जो नालंदा विद्यालय है उसका विद्या एक महान केंद्र था बौद्ध धर्म के लिए। आंसर नंबर ए इज राइट। उसके बाद हमारा है 109 क्वेश्चन, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो मनुष्य उनको दुखों को दूर करने के अंत करने के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? ए महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी आदि शंकराचार्य, डी कबीर। किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध जो थे वो बुद्ध धर्म के संस्थापक, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किया था मनुष्य के दुख को दूर करने के लिए। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग के लिए, अष्टांगिक मार्ग के लिए गौतम बुद्ध का प्रतिपादन किए ने। उसके बाद हमारा है 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? जो गौतम बुद्ध थे वो कौन से गणराज्य के थे? ए सीबी, बी शाक्य,
सौर सेन डी सबरा, जो गौतम बुद्ध थे वो किस गणराज के थे? शाक्य गणराज। आंसर नंबर बी इज राइट, किससे? शाक्य गणराज के थे। आंसर नंबर बी इज राइट। उसके बाद हमारा है बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? जो बौद्ध धर्म है उसमें बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? बौद्ध धर्म में जो बुल है उसका जो है संबंध है बुद्ध के जीवन के किस घटना से है? ये जन्म से, बी महाभिनिष्क्रमण से, सी प्रबोध से, डी महापरिनिर्वाण से। किससे संबंधित है? जो बौद्ध धर्म में बुल शब्द बुल है उससे बुद्ध के जीवन का जन्म यानी जन्म घटना के साथ संबंध है। जन्म से बुल का संबंध है। आंसर नंबर ए इज राइट। जो बुल है उसका बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के निर्माण जन्म से संबंध है, मतलब बुद्ध के जीवन से जन्म से संबंध है। इसके बाद हमारा है 112 क्वेश्चन। बुद्ध बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? ए वणिक एवं पुरोहित, बी साहूकार एवं दास, सी युद्ध एवं व्यापारिक, डी स्त्रियों और शूद्र। कौन सा था? डी स्त्रियों और शूद्र। जो थे स्त्रियों और शूद्र वर्गों को जोड़कर बौद्ध धर्म अपने समाज पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़े थे। आंसर नंबर डी इज राइट। उसके बाद हमारा है 13 क्वेश्चन। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? ए ज्ञात्रिक, बी मौर्य, सी शाक्य, डी कुरु। बुद्ध शाक्य से संबंधित थे। आंसर नंबर सी इज राइट। किससे थे? बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। उसके बाद हमारा एक रूटीन। बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है ए ज्ञान प्राप्त करना, बी धर्म प्रचारक, सी प्रतिभाशाली, डी शक्तिशाली। बुद्ध का अर्थ है ए ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद हमारा है 115 क्वेश्चन। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ए सारनाथ में, बी बोध गया में, सी कपिलवस्तु में, डी राजगृह में। जो बुद्ध थे उनको बोध गया में ज्ञान यानी प्रबोध प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? बोध गया में बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था। आंसर नंबर बी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है 16 क्वेश्चन। अशोक ने किस बौद्ध शास्त्र से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? जो अशोक थे वो किस बौद्ध शास्त्र से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? ए विष्णुगुप्त, डी बी उपगुप्त, सी ब्रह्मा गुप्त, डी बृहस्पतिगुप्त। किससे संबंधित हुए थे? उपगुप्त से। जो बौद्ध जो अशोक सम्राट अशोक थे वो बौद्ध साधु उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। आंसर नंबर बी इज राइट। उसके बाद हमारा है 17 क्वेश्चन। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? बुद्ध के जो उपदेश है वो किस भाषा में है? ए हिंदी में, बी उर्दू में, सी पाली में, डी हिब्रू में। बुद्ध के भाषा जो बुद्ध के उपदेश है वो पाली भाषा में है। किसमें? पाली भाषा में। निम्न में से कौन सा एक भारत में निम्नलिखित सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है, मतलब बौद्ध धर्म का सबसे अंतिम ग्रंथ जो भारत में लिखा गया वो कौन सा है? ए दिव्य वंदना, बी दोहा कोसा, सी वज्रचेदिका, डी वामसाथपाकसिनी। कौन से हैं? आंसर नंबर बी डी इज राइट। वामसाथपाकसिनी जो था ग्रंथ था वो बौद्ध धर्म का सबसे बाद यानी अंतिम वाला था जो कि भारत में लिखा गया। उसका आंसर नंबर डी इज राइट। उसके बाद हमारा है 19 क्वेश्चन। निम्नलिखित गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? गौतम बुद्ध जन्म कहाँ हुआ था? ए कुशीनगर, बी सारनाथ, डी बोध गया। सील उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और ज्ञान बोध गया प्राप्त हुआ था। उनकी उनका जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था। आंसर नंबर डी इज राइट। उसके बाद हमारा है 120 क्वेश्चन। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस किसमें की गई थी? जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं
प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी? ए प्राकृत पाठ में, बी पाली भाषा में, सी संस्कृत पाठ में, जी चित्रलेखी पाठ में। जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ की रचना थी वो पाली भाषा में की गई थी। किसमें? पाली भाषा में। आंसर नंबर बी इज राइट। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई थी। उसके बाद हमारा है 121 क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस देश देश के डियर पार्क में दिया? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस डियर पार्क में दिया था? ए मगध, बी सारनाथ, सी सांची, डी लंबिनी। किसमें? सारनाथ में। डी बुद्ध जो थे अपना पहला उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। किसमें? डियर पार्क में। सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। उसके बाद हमारा है 122। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया? वही कहाँ पर दिया है? सारनाथ में। धर्म संदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। उसके बाद हमारा 123 क्वेश्चन है। अब आजीविका संप्रदाय एक संप्रदाय था। आजीविका संप्रदाय एक संप्रदाय था। ए बुद्ध का समसामयिक की, भी बौद्धों से अलग हुई एक शाखा, सी चावक द्वारा स्थापित संप्रदाय, डी शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। क्या है आंसर नंबर ए? आजीविक संप्रदाय जो है वो बुद्ध का समसामयिक था। किससे? बुद्ध के समसामयिक संप्रदाय था। आंसर नंबर ए इज राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारे 124 क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में किन मतों पर विश्वास करते हैं? ए दुनिया दुखों से भरी है, बी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं कारण होता है, सी यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाता है, डी है विश्व और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। अब इसमें है ए बी सी डी। उसके बाद बी और सी सही है कि ए बी सी सही है, डी बी सी डी सही है। कौन सही है? सी ए बी सी सही है। बुद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म में किन मतों पर विश्वास रखते थे कि जो दुनिया है वो दुखों से भरी है, दुनिया दुखों से भरी है, उसके बाद लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण मिलता है, जितनी उनकी इच्छा होती है उन्हें उसी के अनुसार उनके दुख भी बढ़ते हैं, यदि वो अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो इसका निवारण मिल जाएगा, कोई सोच यदि कोई अपनी इच्छा पर काबू पा लिया जाए वो दुख से दूर हो जाएगा। यही बौद्ध धर्म के तीन मत थे। किसे? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं का कारण होता है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। यही इनके तीन मत थे। आंसर क्या हो जाएंगे? सी ए बी सी तीनों। उसके बाद एलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। एलेक्जेंडर नाम से जो सिकंदर प्रसिद्ध है वो और पोरस ने लड़ाई कहाँ लड़ी थी? ए झेलम में, बी रावे में, सी पानीपत में, डी तराइन में। झेलम में जो थे एलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने अपनी लड़ाई लड़ी थी। कहाँ पे? झेलम में। जब वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लेना। धन्यवाद।